हेलो गाइस, वेलकम टू तेजी मंडी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर 2 के बारे में। तो आप चौंकिएगा मत, क्योंकि आपके मन में एक ही क्वेश्चन होगा कि एवेंजर एंड गेम के बाद तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं, ना ही अनाउंस हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी तरफ से कोई ऑफिशियल कन्फर्म नहीं कर रहा हूं, ना ही कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है। बट अभी हाल ही में एवेंजर एंड गेम का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें कि क्रिस इवांस यानी कि एके कैप्टन अमेरिका ने सिविल वॉर 2 के बारे में बात कही। तो इससे ये एक रूमर आ जाता है, एक चीज़ कंफर्मेशन हो जाती है कि इन फ्यूचर मार्वल फेस 4 ने सिविल वॉर 2 भी सोच रखी है। उनके मन में ये आइडिया, ये थिंकिंग है। तो शायद ये बात उन्होंने ऐसी बोली होगी क्योंकि ये बात लीक नहीं हुई और ये बात वहीं पे वहीं कट कर दी गई और ये बात सिर्फ उन्हीं रिपोर्टर के बीच में रह गई। तो ऐसे कुछ लोग हैं तो मानते तो है नहीं है, बात तो लीक ही ना कहीं कर ही देते हैं। तो ये अपडेट मुझे वहाँ से पता चला। तो अब फ्यूचर में शायद हमें कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर 2 देखने को मिले। अगर ये बात 3 साल पहले कही होती तो शायद हमें यकीन नहीं होता, क्योंकि कैप्टन मार्वल की ही लड़ाई हुई थी सिविल वॉर 2 में। तो अब पॉसिबल है, क्योंकि अब हमारे यूनिवर्स में कैप्टन मार्वल है। तो ये बात अगर हल्की सी भी अगर सच होती है तो इन फ्यूचर हमें मार्वल फेज 4 में कैप्टन अमेरिका जिंदा देखेंगे और सिविल वॉर 2 भी देखने को मिलेगी। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख, या तो उस पर ब्लैक वीडियो के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय, जा रहा हूँ।